नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। भारत और चीन के बीच रार के बाद आज एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर भारत और चीनी सेना के बीच तनाव खत्म हो गया है। चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। इससे पहले आपको बता दें कि गलवान घाटी की पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर तनाव कम हुआ था। ये कैसे हुआ, इसके तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक हुए दौरे से जोड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही इसको चाइना पर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। मगर क्या ये वाकई खुश होने वाली खबर है? क्या वाकई चीन ने हार मान ली है? जानिए इस खास रिपोर्ट। भारत और चीन की सीमा पर तनाव कम होता जा रहा है। भारतीय सेना के सूत्रों का कहना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर भारत और चीनी सेना के बीच तनाव खत्म हो गया है। चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे चली गई है। इससे पहले गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर तनाव कम हुआ था। गौरतलब है कि गलवान में झड़प के 20 दिन बाद तक चीन टस से मस नहीं हुआ था, लेकिन भारत के चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार वो झड़प वाली जगह से पीछे हटने को मजबूर हो गया। सैटेलाइट से आई ताजा तस्वीरों में इसके साफ सबूत देखे जा सकते हैं। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें लद्दाख में चीनी सेना के पीछे हटने की कहानियां बयां कर रही हैं। गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास कुछ दिनों तक चीनी सेना के जमावड़े के निशान अब इन तस्वीरों से गायब हो चुके हैं। 28 जून को हासिल पहली तस्वीर में एलएसी के दोनों ओर चीनी स्ट्रक्चर्स को देखा जा सकता है। उसी दिन पर आई नई तस्वीर में इलाका पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रहा है। पूरी लद्दाख क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बनी सहमति के बाद चीनी सैनिक 2 किलोमीटर तक पीछे हटे हैं। चीन की सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से पीछे जा चुकी है। भारतीय सेना भी कुछ कदम पीछे हटी है। गलवान नदी के किनारे से हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज भी इस बात की तस्दीक करती है। दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की वार्ता के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद बनी सहमति के तहत दोनों भारतीय और चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं और अपने बीच बफर जोन छोड़ रहे हैं। चीन के पीछे हटने के बावजूद एयरफोर्स की टीम मुस्तैदी बनाए रखेगी। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक रात को भी गश्त की जा सकती है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर पर जारी सड़क निर्माण और अन्य निर्माण को लेकर रिव्यू बैठक की है। भारत चीनी सरहद से सटे लद्दाख के इलाके में सड़क निर्माण का काम तेज करने जा रहा है। सरकार इसकी मदद के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आईबीएन भारत। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। नमस्कार।